सिर्फ उसी लड़की का जिक्र क्यों होता रहता है इस घर में? जा चुकी है वो यहां से, मुसीबत विदा हो गई है घर से। I'm fine. आप कैसी हो? I'm fine too. मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, हाँ, क्योंकि तू तो मेरे लिए कुछ नहीं लाया है। लाया हो ना खुदी? क्या? क्या नहीं? किसे? तुम इसे ले आए यहां पर? और इसकी शादी उसका क्या? सब लोग कुछ पूछ रहे तुमसे झनक, जवाब दो। तुम्हारी शादी थी ना? शादी कैसे कर लेगी बोड़ो माँ? झनक हर लड़के को अनी से कंपेयर करती है, और जब लड़का अनी जैसा नहीं निकलता तो शादी कैंसिल। तुमने मुझसे कहा था ना अनी कि तुम इसे वापस लेकर यहाँ नहीं आओगे। मैंने भरोसा किया तुम पे, और तुमने क्या किया मेरे साथ? फिर से इस लड़की को यहाँ लेके आ गए। अर्शी मुझे बोलने दोगी तो समझाऊंगा ना मैं? तो बोलो बोलो क्या कहना है? मैंने झनक की जिसके साथ शादी फिक्स कराई थी, झनक ने उसे उस लड़के ने शादी करने से ही मना कर दिया। झनक अगर मैं सच बोल देता कि तुम राहुल से शादी नहीं करना चाहती थी तो सब मुझे अटैक करते, इसलिए तुमने बात घुमा दी सिर्फ मुझे बचाने के लिए, है ना? अर्शी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन झनक के पास पुलिस प्रोटेक्शन है, तेजस इसके पीछे पड़ा था, तेजस बहुत पावरफुल है, ये सारी बातें सुनके वो लड़का डर गया, लास्ट मिनट उसने शादी कैंसिल कर दी। अब ऐसी हालत में मैं इसे कहां छोड़ के आया था, इसलिए यहां ले आया, सोचा हमारी शादी अटेंड करने के बाद फिर मैं मुंबई चली जाऊंगी। अर्शी दीदी, सर जी ने कहा अगर तुम मुंबई जा ही रही हो तो जाने से पहले शादी अटेंड कर लो, अर्शी दीदी को अच्छा लगेगा। लेकिन आप अभी भी चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो मैं अभी के अभी मुंबई जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम शादी के लिए आई हो यहाँ पर तो रुक सकती हो, उसके बाद यहाँ से चली जाना। मैं हुक्मनामा बनवाऊंगा जो ये कहेगा कि तुम्हारी कश्मीर वाली शादी खारिज है। ये शादी खारिज करवा दीजिए प्लीज। जिन हालातों में शादी हुई थी आप सबको पता है, हम दोनों ही मजबूर थे। अगर ये शादी अमान्य हो जाती है, खारिज हो जाती है, तो आप जहाँ बोलेंगे मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।